हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है ना। पवित्र लोग इसका महत्व जानना चाहिए। प्रभु का बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया और भी आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया, है ना। प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमको उस अनंत जीवन के बारे में प्रकाश दिया है, उस प्रकाश का योग्य जीवन बिताना प्रभु में मुलाट पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, जिसको भी प्रकाश मिलता है वो बहुत भाग्यवान है। तो आज भी हमारे बीच में प्रभु का महेश है, महेश हमेशा हमको याद दिलाता है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर उसका महेश में रोटी और दाखरस है, ये हमको बताता है कि प्रभु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, ये बात को हमें बताता है। तो ऐसा है तो इसको कितना हमें हमारे विश्वास के साथ अनुभव में लाना चाहिए, ये बात का जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ बात है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज भी और भी एक बार मिल करके प्रभु का मेज में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रियो पिछले दिनों में आपको याद है जब कोरोना के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे और पुनरुत्थान के दिन में मेज में शामिल होने के लिए मौका नहीं था, उस समय में हमारा दिल बहुत तड़पते थे, है ना। हम लोग मैं तो बहुत रोते थे, है ना, क्योंकि प्रभु का मेज उसमें भाग लेना एक बहुत बड़ा एक सौभाग्यता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, आज प्रभु ने हमको उसके लिए मौका बनाकर दिया है। तो मेज में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है अभी भी हम मेज में शामिल होने के समय में एक बात का घोषणा करता है करके पहला कुरिंदी 11 अध्याय का 26 वचन में प्रभु का दास कहता है, है ना। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम प्रचार करते हैं। आप देखिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, आपको मालूम है कभी भी कोई भी व्यक्ति का मृत्यु का प्रचार नहीं किया जाता, है ना। किसी का भी मृत्यु के बारे में बोलने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, कोई बोलते ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई महत्व का बात उसमें है ही नहीं। परंतु हम लोग जब इकट्ठा होता है तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार करते हैं, है ना। प्रभु यीशु में भी शामिल होने के समय में हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, उसका मृत्यु में सब कुछ है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था और माना किसके लिए था, ये जानकारी बहुत जरूरी बात है। ये दुनिया में जो भी जन्मा है वो एक समय के बाद में मर करके दुनिया से चला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक हत्या नहीं था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक माना खुदकुशी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक माना एक रक्तसाक्षित्व नहीं था। यीशु मसीह का मृत्यु क्या था ये जानना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, उस मृत्यु का अर्थ क्या था। जब हम लोग रोमियो का पत्र 3 अध्याय उसका 25 वचन जब पढ़ता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए यहाँ पर मतलब क्रूस का मृत्यु क्या था, क्रूस का मृत्यु एक प्रायश्चित था। क्या था? प्रायश्चित था, प्रायश्चित। उसके लिए और भी एक वचन पढ़ना, पहला योहन्ना उसका 4:10, पहला योहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, वो एक हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित था, है ना। प्रायश्चित था मतलब प्रायश्चित का अर्थ क्या है, है पाप के कारण जो परमेश्वर की संगति से दूर हुआ वो लोगों को वापस प्रभु की संगति में लाने वाला कार्य था प्रायश्चित। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के कारण
परमेश्वर की संगति से दूर हुआ हुआ मनुष्य को परमेश्वर की संगति में वापस लाने वाला कार्य को प्रायश्चित बोलता है। वो एक प्रायश्चित था। यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? वो एक प्रायश्चित था। प्रियो, इन बातों को जानना है ना, एक एक बातों को समझना, ये कितना बड़ी बात है। हमको मरण दूर हुआ हुआ हमें, परमेश्वर से दूर हुआ हुआ हमें वापस प्रभु का संगति में लाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता था। वो प्रायश्चित था प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। यीशु मसीह की मृत्यु का महत्व प्रभु के लोग, उद्धार पाए हुए लोग कितना अच्छी तरह जानना चाहिए। दूसरी प्रकार बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? जब बिना लहू बहा करके पाप क्षमा नहीं है, जब इब्रानियों 9:22 में लिखा है, तो इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? वही इब्रानियों 9:26 वचन पढ़ना, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा। हाँ, वो एक बलिदान था। यीशु मसीह का मृत्यु क्या था? वो एक बलिदान था। बलिदान देखिए प्रियो, है ना, है मतलब हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति और लोगों के लिए बलिदान नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए एक बलिदान था, है ना। ये बातों को जानना कितना गहरी बात है प्रियो, है ना। बलिदान था हमारे लिए, मंडली के लिए। प्रभु का वचन में क्या लिखा कि जब पहला कुरिन्थी 5:7 वचन में, पहला कुरिन्थी 5:7 वचन, बलिदान हुआ है हमारा भी मसीह, हमारा भी मसीहा, जो हमें मन पाप से पार कराने वाला, पाप की सजा से मुक्त करने वाला हमारा भी मेमना यीशु मसीह की बलिदान हुआ। बलिदान हुआ यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? वो हमारे लिए एक बलिदान था। उसका लहू हमारे लिए बहाना था। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। हमारे लिए प्रभु ने क्या किया प्रियो? यीशु मसीह को कोई अपनी ताकत से पलट करके नहीं मारा है। यीशु मसीह के ये बलिदान वो स्वयं एवा था। स्वयं प्रभु हमारे लिए स्वयं अर्पित होने के लिए आया, है ना। जब गलातियों के पत्र 3 में है, आपका 4 है क्या, देखना मतलब 4 में थोड़ा देखना, अपने आप को देखा, हमारे पापों के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? हमारे पापों के लिए हमारे लिए दे दिया प्रियो, हमारे लिए स्वयं को दे दिया यीशु मसीह, स्वयं हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ओ, जब भी हम इकट्ठा होता है तो प्रियो, हमको बचाने के लिए हमारा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बात को जानना कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह की मृत्यु का महत्व को जानना कितना बड़ी बात है प्रियो। यदि यीशु मसीह इस प्रकार अगर नहीं मरा होता, हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलता था, हमें कभी भी आशा नहीं मिलता था, हम कभी भी ये शांति जो आज हम अनुभव करता है वो शांति हमें कभी भी नहीं होता था। आज ये शांति पाने के लिए लोग कितना कार्य करता है प्रियो, और जो इतना बड़ा रीति में प्रभु ने मुझे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया, तो मेरा भी कर्तव्य क्या है प्रियो, है ना। मुझसे इतना बड़ा प्रेम करने वाले एक प्रभु के बारे में जानने के बाद मैं उस प्रभु को प्यार करता है क्या? वही गलातियों 2:20 में आपको सबको मालूम है, प्रेरित पौलुस का अपना गवाही कितना अनोखा बात है प्रियो, वो मेरी और आपका गवाही होना चाहिए, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की महत्व जाना हुआ, यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास करके अपनी पाप क्षमा पाया हुआ हरेक पवित्र लोगों का जीवन, जिंदगी, है ना, आगे का समय फिर प्रभु के लिए होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देता है, गलातियों 2:20 सबको सुपरिचित बज रहे हैं। जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। प्रियो, ये दुनिया में कौन है जो हमारे लिए अपने आप को देता है?
हम देता है तो मानव थोड़ा कुछ एक पेन दे दिया, एक चाय दे दिया, ऐसा ही क्या प्रभु ने दिया? नहीं है ना प्रियो, है प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। ऐसा प्रेम कहां पर देख सकता प्रियो? हमारे लिए अपनी माँ बाप अपने आप को नहीं देगा, भाई बहन नहीं देगा, परंतु प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? वो एक मतलब बलिदान था, वो स्वयं था। प्रभु को कोई यीशु मसीह ने खुद जब दुनिया में था, प्रभु ने बोला था योहन्ना के सुसमाचार में 10:17-18 योहन्ना 10:17-18 देखा, मैं अपना प्राण देता हूँ और वो मैं वापस ले सकता हूँ। और आगे कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। आप ही देता हूँ। देखो प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। अपने आप को देने के लिए तो आया, वो मरने के लिए तो आया। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये सच्चाई हम कभी ना भूले, है ना। प्रभु का मृत्यु क्या था, है ना। अभी प्रभु का मृत्यु से हमें क्या लाभ हुआ, ये जान करके, ये जानेगा तो हम कितना अधिक उड़ी मारना चाहिए। प्रभु का मृत्यु क्या था, है वो हमारे लिए एक बलि था, है ना। वो प्रभु ने हमें प्रेम करके हमारे लिए अपने आप को दिया था, है ना। लेकिन इस बलिदान से विश्वास करने वालों को क्या लाभ हुआ, है ना। जब पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 18 पढ़ना, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18। अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, किस लिए था प्रियो? हमें प्रभु के पास पहुंचाने के लिए। देखा प्रियो, उस पवित्र परमेश्वर के निकट कोई नहीं जा सकता था। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू बहा करके हमें उस लहू से धोकर शुद्ध करके हमें पिता के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सहा। आप देखो, अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा होता, हम कभी भी प्रभु के निकट नहीं जा सकता था। लेकिन आज हमें प्रभु के निकट जाने के लिए याब है, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया है, हमारा उद्धार किया है। इतने बड़ी बात है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से मुझे क्या लाभ हुआ, मैं उस पिता के पास कभी भी जा सकता है ना, कभी भी जा सकता है। मुझे पिता के पास लाया प्रभु यीशु मसीह ने, ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है ना। हमारा कोई भी अवस्था में हम लोग उस पिता के पास पहुंच सकता है, है? भाव हमको दूर किया प्रियो, हमारा पाप के छुटकारे के लिए प्रभु का मृत्यु था, है ना। हम जब रोमियो का पत्र उसकी 8:3 रोमियो 8:3 क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया, कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और बलिदान पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, हमारा पापों का परिहार के लिए था, हमारा पापों से हमें छुटकारा देने के लिए था। हम लोग ये शरीर में रह करके ये कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था, वो बात को हमारे लिए पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में पापरहित होकर जन्म लिया और पापरहित होकर के जीवन बिताया और अपनी शरीर में हमारा पापों को लिया और वो हमारे लिए मृत्यु सहा। इसलिए हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप का अनंत काल का नरक की आग से छुड़ाने के लिए, इसलिए दूसरा कुरिंदी में लिखा ना, दूसरा कुरिंदी 5:21 ओ प्रभु यीशु पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने के लिए, जो पाप नहीं किया हुआ, पाप नहीं जानता था, पाप नहीं था, ऐसा यीशु मसीह हमारे लिए पिता के ओर से पाप ठहराया गया। यीशु मसीह प्रियो,
हम लोग व्यवस्था के हमारा नीचे एक श्राबित बन गया था। व्यवस्था हम लोग कभी भी अपनी तरफ से पूरा नहीं कर सकते थे। उसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए शरीर में आया, परंतु उसमें पाप नहीं था, उसमें पाप नहीं था। हमको छुड़ा करके हमें प्रभु के साथ मेल करा करके प्रभु की सान्निधि में प्रभु की संगति में रह करके उस प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने यह सब कुछ किया। गलातियों के पत्री में भी तीसरा अध्याय का 13 वचन में हम देखता है कि देखा हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। प्रियो कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे लिए हम लोग व्यवस्था पूरा करके धर्मी नहीं बन सकता था, है ना, इसलिए वो हमारे लिए एक श्राप बन चुके थे। लेकिन हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था का अधीन होकर के आकर के हमारे लिए व्यवस्था पूरा करके उन्होंने उस श्राप से हमको छुड़ा लिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ छुटकारा कितना बड़ा श्रेष्ठ है। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दुनिया में आया, क्यों आया, हमारे लिए आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया, हमें पिता के साथ मेल कराने के लिए आया, हमें उस प्रभु के निकट लाने के लिए आया। इतने नहीं प्रियो, आपको मालूम है ये सारे बात पाप करने के बाद में ये दिन वाटिका में प्रभु ने वायदा दिया था, स्त्री के संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। हमें हमारा आदि माता पिता को धोखा दे करके फंसा गया हुआ उस सर्प के कामों को नष्ट करने के लिए वो स्त्री की संतान होकर के दुनिया में आएगा, ये बात उधर ही वायदा दिया। और समय की पूर्णता में वो ये जगत में आया करके गिराते उन चार चार में पढ़ता है। समय पूर्ण हुआ तो वो प्रभु के वचन को पूरा करते हुए, प्रभु का वचन को खूबी है, कभी भी प्रभु कभी भी अपने वचन और वायदों को भूलता नहीं, है ना, प्रभु हमेशा वो याद करता है, हम लोग भूल जाते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूलता। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो समय की पूर्णता में स्त्री के संतान होकर आया, और वो मतलब आने के समय में भी वो क्या बोलकर आया मालूम है, जब वो एक सुंदर बात है ना, प्रभु का आगमन के समय में प्रभु बोलने वाले शब्द ना, ये सारी बात पुरुषोत्तम ने अपनी उस प्रकाश में देखा, प्रभु किस क्या बोलकर के आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, क्या बोलकर आता है मालूम है ना, जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 7 वचन, इब्रानियों 10 का 7, हां तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, हां पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हां ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करे। ओके अब मराठी में पढ़ेंगे, यावरून मी म्हणालो हे देवा ग्रंथपाठात माझ्याविषयी लिहून ठेवले आहे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी मी आलो आहे। देखा क्या बात है, तेरी वचनों में लिखा हुआ उन बातों को पूरा करने के लिए मैं आ गया है। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, है आप देखो प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात है, बहुत बड़ी बात है ना। जब यरूशलेम से एमाउस से और जाने वाला उन चेलों के साथ मिलकर यीशु मसीह चला, यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद तीसरे दिन जी उड़ा, वो स्वर्ग में चला, मतलब स्वर्ग में मतलब जी उड़ा हुआ एक खबर सुना, सुनने के बाद में ये हमारे लोग यरूशलेम से एमाउस के ओर जा रहा था, यीशु मसीह भी उनके साथ मिलकर चलने लगा। यीशु मसीह उनके साथ मिलकर के चलने चलते वक्त वो लोगों की चर्चा में यीशु मसीह शामिल हुआ। अब यरूशलेम में हुआ हुआ बात के बारे में वो लोग बोलता है कि हमारे बीच में कुछ स्त्रियों ने आकर के हमको ऐसा बोला, हम लोग घबरा गया। वो बोलता है कि यीशु मसीह जी उड़ा, कैसा जी उड़ेगा, क्योंकि चरित्र में कभी किसी ने सुना ही नहीं मरने के बाद में ऐसे कोई जी उड़े है। तब यीशु मसीह उनके साथ चल करके, मुझे लगता है कि जी उठने के बाद में इतना लंबा समय बात सुनने का मौका उनको मिला, कुछ भी हो, है ना, बाकी जगह पर प्रभु प्रकट हुआ थोड़ी देर में चला गया, लेकिन इनको बहुत लंबा समय मिला। जब लुका 24 अध्याय का 25 से 27 तक का वचन पढ़ना, तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत मतियो, क्या अवश्य
अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा भाई, मूसा से लेकर के मतलब पहला पंच ग्रंथ कौन लिखा? मूसा के द्वारा। मतलब उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक प्रभु के बारे में लिखा हुआ सारे बात समझाने के लिए इतना टाइम मिला। अब देखिए वो लोग है, कितना धन्य लोग है ना। ये उड़ने के बाद में उन लोगों के साथ प्रभु ने ज्यादा समय बिताया है, उनको इतना सब बात बताया। लेकिन प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया वो, उनको प्रभु ने क्या बुलाया? निर्बुद्धियों। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, प्रभु का वचन सुनता है परंतु विश्वास नहीं करता, निर्बुद्धि है। आज प्रभु हमको देख करके क्या बुलाएंगे? प्रभु के वचन पर हमें विश्वास है क्या? प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया और हमें पिता से मेल कराने के लिए वो हमारे लिए मरा, उसकी पवित्र ने वो हमारे लिए बहाया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग में गया, वो फिर से आने वाला है। विश्वास करता है क्या? विश्वास करने वाला बुद्धिमान है। जो विश्वास अभी भी नहीं किया या अभी भी इस मतलब प्रभु में विश्वास करके पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, प्रियो वो लोगों के बारे में प्रभु बोलेगा ये निर्बुद्धियों। जो भी प्रभु को ग्रहण किया प्रभु उनको क्या बोलेगा? बुद्धिमान। प्रभु का वचन को समझने के लिए भी प्रभु जब तक बुद्धि नहीं खोलेगा तो समझेगा नहीं है, क्योंकि उसका 45 में लिखा है, 24 का 45 में लिखा। हाँ, उनका समझ खोल दिया है। प्रभु समझ खोलेगा तभी समझ पाएगा। जरूर जिसका समझ नहीं खोला है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए प्रभु उनका भी समझ खोल दे, ताकि उनको भी ये सच्चाई मालूम पड़ जाए। तो प्रियो, प्रभु का मृत्यु का मतलब हमने जाना, परंतु वो मृत्यु किसके लिए था, उसका क्या महत्व था? एक महत्वपूर्ण एक बात भी मैं आपको याद रहना चाहूंगा, क्योंकि उस मृत्यु से हमें मिला हुआ पाप क्षमा मिला, पिता के निकट हम लोग आ पाया, हमको जीवित आशा मिले, सब कुछ मिला। लेकिन सारे बात से बढ़कर एक महान पदवी गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ना। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। देखा, हमें लेपालक होने का पद मिले या उसका पुत्रत्व का पद भी मिले, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमें वो पुत्रत्व का पद भी मिला। अभी हमको अब्बा पिता करके कहते हुए उस प्रभु के पास में जा सकता है, कितना अनमोल बात है। हमें पिता से पिता के निकट लाया, पिता से मेल कराया है हमको हर प्रकार। अभी वो पुत्रत्व का पदवी भी प्रभु ने अपनी मूर्ति के द्वारा हमें दिलाया। आज हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र लोग है, ये बात का जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है हमें परखना है। प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र है, हम परमेश्वर की संतान है ना। ये पदवी एक छोटी बात नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिला हुआ एक आशीषित पदवी है। तो उस पदवी में होकर के प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। आज और एक बार इन सारे इस बड़ा पदवी में हमें लाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ है ना। तो हमें ये बात को जानना चाहिए, इस दुनिया में जन्म के द्वारा मतलब मैं एक शैतान का बेटा था, पर जो आज प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये दुनिया में आकर मुझे पिता से मिलाने के लिए वो मेरा प्रायश्चित का बलिदान होकर के मुझे पिता के साथ मेल करवा करके मुझे नया जन्म दे करके मुझे आज परमेश्वर का संतान बनाया। आज मैं प्रभु का संतान होकर के अब्बा पिता कहते हुए मेरे प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्यता दिया। वो सौभाग्यता देने के लिए प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया, वो बात कभी नहीं भूलना प्रियो, वो हम कभी ना भूले। आज हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है।
है ना, ये कोई छोटा पद भी है क्या? है बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने बहुत बड़ा पद भी में, मैं सोचता हूँ बारह योगा ना तीन का एक पढ़ने के टाइम पर मैं कई बार मैं पढ़ने के बाद में घुटने में आकर प्रभु को बहुत सुरी करता हूँ, क्योंकि वो वजन कितना कैसा वजन है, आप आत्मा में पढ़ते हो तो जरूर आप घुटने में आएगा वो वजन पढ़ने के समय में। मैं बहुत से बार कई ऐसा वजन पढ़ने के समय में मैं जब पढ़ने के स्थान से उठता हूँ और मैं घुटने में आता हूँ, क्योंकि वो वजन क्या बोलता, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो महान परमेश्वर को अभी हम क्या बोलता, पिता, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मतलब संसार हमको नहीं जानता, उनको हम और लोगों के जैसा लगता है, पर तो प्रियो हम कौन है, आज हम परमेश्वर का संतान है। ये कैसे बना, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम कैसे दिखाया, अपने पुत्र को दे करके। पिता ने हमारे लिए कुछ और कोई स्वर्गदूत को नहीं भेजा या और कोई मार्ग नहीं ढूंढा, हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, हमें पुत्र बनाने के लिए। प्रियो बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक दिन भी ये एक वचन को थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा प्रार्थना के साथ आत्मा में रह करके प्रभु के साथ थोड़ा बात कीजिए। मैं आपको बोलता हूं हमारे जीवन में बहुत अवस्था बदल जाएगा। मुझे मतलब उस अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, मैं पहले अंधकार में थे, अंधकार का संतान थे, पर तो अभी मैं ज्योति के संतान है, ज्योति में है, ज्योति है, ये सब पदवी प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया, हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दिया। कौन देगा प्रियो, ऐसा कोई नहीं दे सकता। जो भी उधार पाया है उन्होंने प्रभु का उस अगप्पे प्यार को जीवन में अनुभव किया है, बहुत बड़ी बात है। आज वो अनुभव हमारे अंदर है क्या? मेरे लिए मेरा स्वर्गीय पिता ने कितना बड़ा प्यार दिया, वो प्यार को हम लोग सच में जान पाया क्या, चक्कर के अनुभव किया है क्या? है तो हमारे दिल में प्रभु के प्रति हम बहुत आभारी रहेगा, बहुत आभारी रहेगा। भाई अपने आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को पार के प्रयोग। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में